देख रहे हैं एवी क्राइम न्यूज। मैं अनुजा आपके साथ, नमस्कार। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। कानपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एसीपी के पेशकार का विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एसीपी का पेशकार हाथों की उंगलियों से इशारा करके 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां नौकरी में रहकर अच्छा वेतन पाने के बाद भी पैसों की भूख के लिए सरकारी कर्मचारी पीड़ितों को विभागों से टरकाते हैं, जहां पीड़ित कर्जा लेकर अपने कामों को करवाता है और कुछ पीड़ित काम करवाने में मांगी गई घूस को लेकर ऊपर शिकायत करते हैं, लेकिन विभाग अपने कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे में पीड़ित योजना बनाकर उन कर्मचारियों को घूस देने के साथ पकड़वा देते हैं। एक ऐसे ही मामला एसीपी बाबूपुरवा के कार्यालय का आया है, जहां चार सीट भेजने की मांगी गई रकम दो वादी के भाई ने घूस देते हुए रंगे हाथों पकड़वा दिया। यह कानपुर का कोई पहला मामला नहीं है। जूहीलाल कॉलोनी में रहने वाले निवासी रिंकू पासवान ने किदवई नगर थाने में 15 जुलाई 2024 को मोना कश्यप, राजा कश्यप समीर और राज की पत्नी के खिलाफ SC/ST एक्ट और जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा कर रहे थे। पीड़ित रिंकू मामले की प्रगति रिपोर्ट लगवाने के लिए एसीपी ऑफिस पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हेड कांस्टेबल शहनाज खान और योगेश कुमार से हुई थी। दोनों ने मुकदमे में प्रगति के लिए पीड़ित से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया। कहा, साहब गरीब आदमी हूँ, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। जवाब में दोनों पुलिसकर्मियों ने कहा, बिना पैसों के काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। पीड़ित ने शिकायत विजिलेंस टीम से कर दी। विजिलेंस टीम ने मामले की जांच कराई, जिस पर शिकायत सही पाई गई। इसके बाद टीम ने घूसखोर कांस्टेबल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सोमवार शाम को विजिलेंस टीम रिंकू के साथ एसीपी बाबूपुरवा ऑफिस पहुंची। रिंकू अकेले अंदर 15,000 रुपए लेकर पहुंचा और हेड कांस्टेबल शहनवाज को 15,000 रुपए दिए। विजिलेंस टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया। पहले तो उसने रौब दिखाया और टीम के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विजिलेंस टीम ने उसे दबोच लिया। टीम एसीपी ऑफिस से नंगे पांव खींच कर ली गई। इसका वीडियो भी सामने आया, इसमें दिख रहा है कि 4 से 5 लोग हेड कांस्टेबल को पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे हैं। इस दौरान हेड कांस्टेबल भागने के लिए छटपटाता रहा, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं सका। पूरा मामला एसीपी बाबूपुरवा ऑफिस का है। चलो 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 चलो, ज्यादा दिन चलो 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 चलो, हो गया काम तुम्हारा। पहले बात बताइए ना। चलो मारना नहीं, मारना नहीं, गाड़ी भाई।